हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? फाइन, वेरी गुड स्टूडेंट्स। वर्क कर रहे हो ना आप सब अच्छे से? आई होप कि आप सब अच्छे से वर्क कर रहे हो, जितना भी हमने अभी तक सेंड किया है। सो आज भी हम वर्क करेंगे ईवीएस सीडब्ल्यू में। कौन सी नोटबुक में? यस, ईवीएस की नोटबुक में आज हम वर्क करेंगे। ओके, सो ईवीएस की नोटबुक में आपको कौन सा पेज ओपन करना है? पेज नंबर 1414। इससे पहले हमने फैमिली मेम्बर्स के नेम किए थे, स्पेलिंग किए थे, है ना? उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फैमिली मेम्बर में आज हम किसका स्पेलिंग करेंगे? कौन से फैमिली मेम्बर का? यस, ग्रैंडफादर। तो आज ग्रैंडफादर का स्पेलिंग हम सीखेंगे, ठीक है? हमारे दादाजी होते हैं ना ग्रैंडफादर, वो स्पेलिंग आज हम सीखेंगे। तो कौन सा पेज आपको ओपन करना है ईवीएस में? 1414 पेज। ओके, तो मेरे साथ आपको लिखना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रीड करेंगे। क्या स्पेलिंग है ग्रैंडफादर का? जी आर ए एन डी, ग्रैंड एफ ए टी एच ई आर, फादर, एक साथ ही लिखना है। ओके, सो रीड करो, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंडफादर। तो ये ग्रैंड का स्पेलिंग है, ये फादर का है। ओके, एक साथ लिखना है आपको। अगेन, जी आर ए एन डी, ग्रैंड एफ ए टी एच ई आर, फादर। डन स्टूडेंट्स? सो अब आपको लिखना है रीड करने के बाद। कैसे लिखना है? जी आर ए एन डी, ग्रैंड, इसके साथ ही एफ ए टी एच ई आर, फादर, ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर। अगेन आपको इसके नीचे लिखना है अच्छी हैंड राइटिंग में, बोल बोल के, जी आर ए एन डी एफ ए टी एच ई आर, ग्रैंड फादर। ओके स्टूडेंट्स, सो बोल बोल के ही आपको ये पेज कंप्लीट करना है, पेज नंबर 14। सी सेम आपको पेज नंबर 15 पे भी लिखना है। ओके, यहाँ पर भी आपको लिखना है सेम ग्रैंडफादर का स्पेलिंग, है ना? यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, और सी डब्ल्यू में भी लिखना है स्टूडेंट्स, एच डब्ल्यू में भी आपको लिखना है, बट बहुत स्लो स्लो स्लोली लिखना है। फास्ट फास्ट आपको ये कंप्लीट नहीं करना है, धीरे धीरे कंप्लीट करना है, ठीक है? टू डेज में, थ्री डेज में आपको स्लोली स्लोली अपना ये वर्क कंप्लीट करना है ईवीएस का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।